नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के कक्षा में ईएफएम पेपर प्रथम की चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के अंतर्गत हम यूनिट संख्या 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, यूनिट संख्या 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता सहकारिता चैप्टर में जो आज का टॉपिक है, भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स इन इंडिया। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की कि उपभोक्ता सहकारिता क्या है, उपभोक्ता सहकारिता मैंने आपको बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, जिससे थोक व्यापारी किसी वस्तु को उचित मूल्य में से खरीद के उपभोक्ता तक सही मूल्य पर उसको बेच के जो भी पारिश्रमिक जो भी लाभ कमाते हैं, एक एजेंसी के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब इसी प्रकार से हम इस जो टॉपिक में आज के अध्ययन करेंगे कि भारत में उपभोक्ता जो सहकारी भंडार है उसकी क्या क्या प्रोग्रेस है। अब हम बात करें उपभोक्ता सहकारी का उद्गम और विकास किस प्रकार से हुआ, जिसमें हम बात करें उपभोक्ता सहकारी समितियों का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्थित रोगडेल नामक नगर के कुछ उत्साही और कार्यशील व्यक्तियों के द्वारा किया गया, जिसके पश्चात 21 दिसंबर 1844 में बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी भंडार की स्थापना की गई, जो कि रोकडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स के नाम से विख्यात रहा। इस भंडार की सफलता से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सहकारी भंडारों के खाद्य सामग्री और ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था करके मूल्यों में नियंत्रण करने के लिए विशेष सहायता प्रदान की गई, जिसमें उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त हो जा सकते थे, जिसे उपभोक्ता सहकारिता विकास की पूर्वी यूरोपीय देशों से भी अधिक सबसे अधिक रहा। तो उपभोक्ता सहकारी भंडारों की सदस्यता की बात करें तो उपभोक्ता सहकारी भंडारों की सदस्यता खुली सदस्यता होती है, जो भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो इसका सदस्य बन सकता है। यद्यपि इन सहकारी संस्थाओं में सदस्यता खुली व ऐच्छिक होती है तो हर कोई व्यक्ति इसका सहकारी सदस्य बनने के लिए दावा नहीं कर सकता है, किसी समुचित कारण के आधार पर भी संचालक मंडल अपने व्यक्ति या सदस्य बनने से इनकार कर सकता है, लेकिन बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति की सदस्यता से वंचित नहीं रह सकता। कोई क्लब संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं, स्कूल और सहकारी भंडारों की भी सदस्यता बन सकती है। अब हम भारत में जो उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रगति की बात करें तो प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व इस आंदोलन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति भी नहीं हुई है, क्योंकि उस समय तक उपभोग के क्षेत्र में गंभीरतापूर्ण ध्यान नहीं रखा गया। इस आंदोलन का विकास युद्ध काल के दौरान हुआ, युद्ध काल के बाद में इस आंदोलन की धीमी गति पड़ गई, तो इसका कारण वस्तुओं पर नियंत्रण हटा लेना था। धीरे धीरे इन भंडारों की संख्या कम होने लगी, इसी प्रकार कभी प्रगति तीव्र गति से धीमी गति से हुई। तो हम योजना काल में प्रगति की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो योजना काल में प्रगति प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रगति में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1952 के बीच में शुरू हुई, जो प्रथम योजना काल के दौरान शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारिताओं पर विशेष ध्यान दिया गया और ये निश्चित किया गया कि नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सहकारी उपभोक्ता भंडारों को अधिक महत्व प्रदान किया गया, जो कि 51 व 52 में विभिन्न वस्तुओं पर नियंत्रण समाप्त होते ही इन भंडारों की प्रगति धीमी पड़ने लगी और इनकी संख्या सदस्यों से की संख्या में कमी आई है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ काल में भंडारों की संख्या थी 9,757, जो घटकर 7,000
359 रह गई। इसकी सदस्य संख्या योजना काल में 18.46 लाख थी, जो घटकर 14.14 लाख हो गई। जो उपभोक्ता भंडारों की योजना की हम बात करें, जो 51-52 में 8,215.7 लाख रुपये का माल बेचा गया, जो 1955-56 से घटकर 1,448 लाख रुपये रह गया। तो इस प्रकार उपभोक्ता भंडारों की धीमी प्रगति के कारण लाभ घटकर लगभग योजना काल में 2.90 लाख रह गया। तो इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इनकी अहम भूमिका रही है और योजना काल के प्रारंभ में लगभग 80.9 लाख का क्या था, प्रॉफिट था। अब बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, सेकंड फाइव ईयर प्लान की। इस योजना के दौरान सहकारी उपभोक्ता भंडारों की धीमी गति से प्रगति के कारणों से जांच करके उनके विकास में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया, जो 1958 में सरकार ने खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई चीनी की कमी को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान से वस्तुओं के विक्रय का प्रावधान रखा और इस कार्य के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों की सेवाएं ली गई, जिससे उपभोक्ता सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप बात यह हुई कि प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों की स्थिति में सुधार हुआ और बिक्री भी बढ़ी और द्वितीय योजना के अंत में प्राथमिक भंडारों की संख्या 7,266 हो गई, जो सदस्य 13.95 लाख की गई, जो सहकारी उपभोक्ता भंडारों की संख्या 1961-62 में 3,549 लाख रुपये का माल विक्रय किया गया। तो इन्हें हम बात करें 59.63 लाख रुपये का इसमें लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तो योजना काल में राष्ट्रीय सहकारी विकास और भंडार गृह मंडल की भी एक समिति के आधार पर नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार से हम आज के इस प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रही। अब हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी, जो कि भारत में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रगति की बात करें, तो काफ़ी एक अहम भूमिका के रूप में निर्वहन किया गया। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम बात करें, तो भंडारों के विकास के ओर इन्होंने विशेष ध्यान दिया गया, जो कि इन भंडारों के विकास में 2 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य किया गया और लक्ष्य के आधार पर 2200 प्राथमिक भंडारों का पुनर्गठन करके राज्य के एक शीर्ष और थोक व्यापार भंडार स्थापित किए गए, जो 1962 में चीनी आक्रमण के फलस्वरूप आपातकाल में मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए उपभोक्ता भंडारों का विकास भी महत्वपूर्ण किया गया। तो इसी प्रकार से हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई संस्थाएं स्थापित करने की अपेक्षा विभिन्न स्तरों पर विद्यमान भंडारों के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया, जो इसके विद्यमान और प्राथमिक भंडारों का सर्वे करके ये पता लगाया गया है कि कौन से भंडार क्षमतावान है और क्षमतावान बनने की संभावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारी स्टोरों की अन्य शाखाओं के सभी नगरों में खोलेगी, जिसमें 10% फुटकर व्यापार के लिए और 20% शहरी जनसंख्या के लिए किया गया। और अंश पूंजी में सरकारी अंशदान की बात करें, तो 8500 से 2500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये किया गया। अब बात करें हम इसी क्रम में सभी व्यापार की, तो 325 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया। अब लास्ट में हम बात करें अगली योजनाओं की, पंचम पंचवर्षीय योजना की। पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में, तो फाइव ईयर प्लान के अंदर पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में, जो कि 50 बड़े व्यापार विभागीय भंडार और 150 छोटे विभागीय भंडार और 1300 फुटकर भंडार खोलने का लक्ष्य रखा गया और इस योजना में 100 थोक भंडारों और 30 विभागीय भंडारों का पुनर्गठन किया गया, जो पाँच योजना में लगभग विक्रय क्षमता को 600 करोड़ रुपये किए जाने का अनुमान भी किया गया। तो इस प्रकार इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत 1991 प्राथमिक विपणन समितियां बनाएगी और 4,239 ग्राम सेवा सहकारी समितियां और 13 अन्य सहकारी समितियां उपभोग्य वस्तुओं को वितरण करके क्रियान्वित की गई।
अगली है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजनाओं का भी पुनर्गठन एक दृढ़ीकरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। इस योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों पर 56 करोड़ रुपए का वेप का प्रावधान रखा गया। योजना के अंत तक यानी 1984-85 तक उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं में कुल 3600 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया, जो सहकारी उपभोक्ता भंडारों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 करोड़ रुपये, शहरी क्षेत्रों में 1600 करोड़ रुपये का सामान वितरण करने का भी लक्ष्य किया गया। अब बात करें हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी शहरी और अन्य क्षेत्रों में अहम भूमिका रखी गई। इस योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के रूप में अहम भूमिका निर्वहन की गई, जो कि सातवीं योजना में सभी राज्यों में राजधानियों में लगभग 1 लाख जनसंख्या वाले, इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी भंडारों में प्रावधान रखा गया। विभागीय भंडारों की संख्या 1984-85 में 330 थी और योजना के अंत तक 430 तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में 700 अन्य उपभोक्ता समितियाँ स्थापित करने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया। इसके अतिरिक्त 1989-90 में ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता भंडारों में 3500 करोड़ रुपए का माल वितरित किया जाएगा, जो कि छठी योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्रों में 3500 करोड़ रुपए के विक्रय का भी लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में विभिन्न तरीके से क्रियान्वित किया गया, जो कि इस योजना के अंत तक 700 करोड़ रुपए का माल में वितरण करने का भी लक्ष्य रखा गया। अब बात करें हम अंतिम आठवीं योजना और वर्तमान स्थिति की, जो कि हमने छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं आ गई, आठवीं व वर्तमान पंचवर्षीय योजना। सातवीं और आठवीं वर्तमान पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसमें मुख्यतया 1990-91 में प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों की संख्या 22,689 थी, जो कि 91-92 बढ़कर 26,351 हो गई, जो कि सन 1992-93 में भंडारों की संख्या घटकर 23,528 रह गई और 1995-96 में बढ़कर 25,750 रह गई। तो इनकी सदस्यता अवधि 6,834,000 से बढ़कर 16,510,000 हो गई। तो 1993-94 में इनकी सदस्य संख्या 460,000 थी, जो कि 90-91 के दौरान 98,495 रुपये का विक्रय भी किया गया, जो कि 1995-96 बढ़कर 1,39,552 का लक्ष्य भी रखा गया। तो इस प्रकार 1990-91 में केंद्रीय थोक भंडारों की संख्या 5,659 थी, जो कि 95-96 बढ़कर 676 हो गई और 90-91 में 7,310 शाखाएँ थी, जो कि 95-96 से घटकर 6,594 रह गई। इस अवधि में इनकी सदस्यता संख्या की बात करें तो 2,432,000 से बढ़कर 2,473,000 हो गई, जो कि 90-91 में इन भंडारों की संख्या 1,22,789 का और 1991-92 में 1,03,129 का विक्रय भी किया गया। तो इस प्रकार 1995-96 इन भंडारों को 1,95,216 मूल्य पर बेचा गया। तो हम बात करें अंतिम रूप से कि मार्च 1996 में शीर्ष उपभोक्ता विपणन संख्यों की संख्या 29 थी और इनकी 1200 शाखाएं थी, जो सदस्यता 15,500 थी और अंश पूंजी 8,099,00,000 थी और इनकी कार्यशील पूंजी 21,730,00,000 थी। शीर्ष संघों की बात करें तो 95-96 में 88,245,00,000 का भी विक्रय का प्रावधान किया गया। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सहकारी उपभोक्ता सहकारी, इसकी प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, उसकी प्रबंध एवं संगठन संरचना कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहकारी या उपभोक्ता सहकारिता की प्रबंध एवं संगठन व्यवस्था में। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेरी मच।